हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। मायसेल्फ डॉक्टर मृणालिनी मनोज, और जैसे कि मेरे कई सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि मैं फॉलिकुलर स्टडी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो जी हाँ, तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे फॉलिकुलर स्टडी या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये क्यों करवाया जाता है। सबसे पहले हम फॉलिकल इस शब्द का अर्थ समझेंगे। यूजुअली क्या होता है कि महिलाओं में जब पीरियड शुरू होते हैं तो पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन पे ओवरीज में एक साथ 5 से 10 फॉलिकल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फॉलिकल इस शब्द का मतलब होता है एक थैली या फिर सैक। जी हाँ, ये 5 से 10 फॉलिकल जो बनना शुरू होते हैं वो सभी फॉलिकल्स आगे चल के फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं। उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा फॉलिकल होता है वो फुल्ली मैच्योर होने की तरफ बढ़ता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। कई बार जब पेशेंट्स को फॉलिकुलर स्टडी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए बुलाया जाता है, तो एक्चुअली डॉक्टर को सोनोग्राफी में क्या दिखता है? जी हाँ, डॉक्टर को सोनोग्राफी में जो दिखता है वो स्त्रीबीज नहीं होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, डॉक्टर को सोनोग्राफी में जो दिखता है वो स्त्रीबीज नहीं होता है, जो दिखता है वो फॉलिकल होता है, जिसे आम भाषा में अंडा भी कहा जाता है। ये फॉलिकल पानी से भरी हुई एक थैली है, गुब्बारा है, ऐसा समझने के लिए मैं कह सकती हूँ। जिस गुब्बारे के अंदर, जिस थैली के अंदर एक स्त्रीबीज होता है। इस स्त्रीबीज का साइज एक्चुअली इतना छोटा होता है वो खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, और इवन जो सोनोग्राफी में डॉक्टर देखने की कोशिश करते हैं उसमें भी स्त्रीबीज नहीं दिखता है। स्त्रीबीज का साइज बहुत ही कम, यानी कि 120 टू 150 माइक्रॉन्स तक होता है। इसीलिए सोनोग्राफी में उस स्त्रीबीज को देखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सोनोग्राफी में वो स्त्रीबीज जिस थैली के अंदर यानी फॉलिकल का अंदर होता है, उस फॉलिकल को हम मॉनिटर कर सकते हैं और ओव्यूलेशन प्रोसेस को जान सकते हैं। अब सवाल आता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फिर स्टडी कैसे करवाया जाता है? फॉलिकुलर स्टडी या मॉनिटरिंग, ये सोनोग्राफी के माध्यम से करवाया जाता है। दो तरह की सोनोग्राफियाँ होती है, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी एंड ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी TAS मतलब पेट के ऊपर से की जाने वाली सोनोग्राफी। इस सोनोग्राफी के लिए आपके पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर का पूरा भरा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एब्डोमिनल सोनोग्राफी से की जाने वाली फॉलिकुलर स्टडी उतनी एक्यूरेट नहीं मानी जाती है। इसीलिए ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी यानी कि योनि मार्ग के द्वारा, TVS के द्वारा की जाने वाली सोनोग्राफी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी का ही इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करने के लिए। आगे सवाल आता है कि ये फॉलिकुलर स्टडी, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि इस वजह से डॉक्टर को पता चलता है कि आपका फॉलिकुलर ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसके बाद पता चलता है कि डोमिनेंट फॉलिकल बढ़ रहा है कि नहीं। अगर डोमिनेंट फॉलिकल बढ़ रहा है तो उसका साइज कितना है, वो कब फूटने वाला है यानी कि ओव्यूलेशन प्रोसेस कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर को फॉलिकुलर स्टडी के दौरान पता चलती है। साथ ही साथ गर्भाशय की जो अंदरूनी परत होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी साइज कितनी, थिकनेस कितनी है, उसका ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम बना है कि नहीं, इन बातों का भी पता चलता है। अंडाशय में कोई सिस्ट है या फिर गर्भाशय में कोई गठान है, रसौली है, फाइब्रॉइड है, तो इन बातों का भी पता फॉलिकुलर स्टडी में लग जाता है। अगला सवाल आता है कि फॉलिकुलर स्टडी कब शुरू करते हैं? मोस्टली फॉलिकुलर स्टडी ये जब पीरियड शुरू होते हैं तो उसका दूसरा या तीसरे दिन पे फॉलिकुलर स्टडी शुरू करते हैं। दूसरे दिन या तीसरे दिन के स्कैन को डे टू स्कैन या फिर बेसलाइन स्कैन भी कहा जाता है। मोस्टली बेसलाइन स्कैन में ओवरी में पहले से ही कोई सिस्ट तो नहीं है ये देखा जाता है, क्योंकि अगर पहले से ही कोई सिस्ट बनी हुई है तो इस बात का पता डॉक्टर को होना चाहिए। उसके बाद आपको 7वें या 8वें दिन पे सोनोग्राफी के लिए डायरेक्टली बुलाया जाता है, क्योंकि 7वें या 8वें दिन तक डोमिनेंट फॉलिकल का चयन हो चुका होता है और उस डोमिनेंट फॉलिकल को हम सोनोग्राफी में देख सकते हैं। उसके बाद आपको अल्टरनेट डे पे सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है, जैसे डे 7, डे 9, डे 11 या फिर डे 8, डे 10 या डे 12। अल्टरनेट डे पे सोनोग्राफी करने पर उस डोमिनेंट फॉलिकल पर पूरी नजर रखी जाती है, उसके ग्रोथ पे नजर रखी जाती है। नॉर्मली फॉलिकल्स का जो ग्रोथ रेट होता है वो 2 से 3 मिलीमीटर पर डे ऐसा होता है। जैसे ही फॉलिकल का साइज 16 से 17 mm तक हो जाता है, उसके बाद कई सारे डॉक्टर्स आपको रेगुलर यानी हर रोज भी सोनोग्राफी के लिए उसके बाद बुला सकते हैं। मोस्टली डोमिनेंट फॉलिकल का 18 टू 20 mm साइज ये फुल्ली मैच्योर साइज देखा जाता है। उसके बाद वो फॉलिकल रप्चर होता है, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि महिलाओं के फॉलिकल्स 25 mm तक भी बढ़ते हैं और उसके बाद वो रप्चर होते हैं। ओव्यूलेशन होने तक भी आपको डॉक्टर फॉलिकुलर स्टडी के लिए हॉस्पिटल्स में स्कैन के लिए, सोनोग्राफी के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि फॉलिकुलर स्टडी ये एक ही ऐसा अचूक जानकारी
देने वाला ओव्यूलेशन के बारे में अचूक जानकारी देने वाला एक बहुत ही सेफ तरीका होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे जाते हैं, जैसे कि कई लोगों को हॉस्पिटल्स में बार बार आना, उसके बाद हॉस्पिटल्स में वेट करना, वहाँ पे जो बैठना पड़ता है बहुत बहुत देर तक, वो कई लोगों को बहुत ही स्ट्रेसफुल लगता है या फिर पसंद नहीं आता है। उसी के साथ साथ बार बार सोनोग्राफी करने से पेशेंट को मेंटली प्रेशर भी फील होता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन भी आता है, तनावपूर्वक महसूस करती है महिलाएं। और ये सोनोग्राफी, जैसे कि मैंने कहा, ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी यानी कि योनि मार्ग के द्वारा सोनोग्राफी की जाती है, इसीलिए बार बार सोनोग्राफी करने की वजह से कई महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती है। इन सब का परिणाम ये होता है कि जब भी ओव्यूलेशन होने वाला होता है या हो गया है ऐसा आपको डॉक्टर कहते हैं, और अभी आपको लगातार 2-3 दिन 4 दिन आपको रिलेशन रखना है ऐसा कहते हैं, उस वक्त महिला का रिलेशन रखने के लिए इंटरेस्ट कम हो जाता है या फिर उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी के चांस नहीं के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स मोस्टली IUI या फिर IVF जब आप प्लान करते हैं उसी वक्त आपको रेगुलर फॉलिकुलर स्टडी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल्स में बुलाना प्रेफर करते हैं। मोस्टली दो तरह के पेशेंट्स में ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाई जाती है, दो तरह के मतलब जिनकी साइकिल नेचुरल साइकिल्स होती है और कुछ पेशेंट्स की साइकिल ये इंड्यूस साइकिल होती है। आसान भाषा में समझते हैं, नेचुरल साइकिल्स मतलब किसी भी तरह की कोई भी दवाई आपको डॉक्टर ने नहीं दी है, लेकिन आप प्रेगनेंसी पाना चाहते हैं और इसीलिए आपको ओव्यूलेशन जानना है। इसीलिए हम डॉक्टर्स आपको सिर्फ अंडा बढ़ रहा है कि नहीं, फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल बढ़ रहा है कि नहीं, वो अपने आप फूट रहा है कि नहीं, वो फुल्ली मैच्योर साइज तक बढ़ रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए आपको फॉलिकुलर स्टडी करवाते हैं। अगर ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है तो आप उन दिनों को एक्यूरेटली जानकर प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। इसे नेचुरल साइकिल्स कहा जाता है। इंड्यूस्ड साइकिल ऐसे पेशेंट्स में देखी जाती है कि जैसे अगर आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है, ये कंप्लेंट लेके आप डॉक्टर के पास आए, अभी डॉक्टर ने आपको अंडा बढ़ने के लिए दवाइयाँ शुरू कर दी है। मोस्टली IUI के साइकिल्स होते हैं या फिर IVF के भी साइकिल्स हो सकते हैं। इन केसेस में आपको टैबलेट्स या फिर इंजेक्शंस अंडे बढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब आपके फॉलिकल्स पे यानी कि जितने अंडे बढ़ रहे हैं उन सब पे नज़र रखना, उन सबको ट्रैक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर को IUI और IVF के केसेस में पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन कब होने वाला है, ताकि IUI के लिए उसी वक्त वो आपकी IUI की प्रोसीजर परफॉर्म कर सके और IVF के लिए वो ओव्यूलेशन होने के पहले ही त्रिबीज वो बाहर निकाल के रख सकते हैं, जिस प्रोसीजर को ओवम पिकअप प्रोसीजर भी कहा जाता है। अब मोस्ट कॉमनली हमें पूछा जाने वाला सवाल होता है कि डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि अंडा फूट गया है या फिर ऐसा सोनोग्राफी में क्या दिखता है। जैसे फॉलिकुलर स्टडी में डोमिनेंट फॉलिकल पर हम नज़र रखे हुए हैं कि कोई एक ऐसा फॉलिकल है जिसकी हर रोज हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो धीरे 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 बढ़ते हुए 18 से 20 mm तक उसकी साइज है, और सडनली अचानक ऐसा दिखता है एक दिन सोनोग्राफी में कि वो फॉलिकल गायब हो चुका है। जी हाँ, उसकी सिर्फ इरेगुलर मार्जिन्स दिखती है या फिर वो श्रिंक मार्जिन दिखती है या फिर कुछ भी नहीं दिखता है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि वो जो फॉलिकल्स था वो फूट गया, यानी अंडा फूट गया और उसमें से त्रिबीज निकल गया, और उसी के साथ साथ डॉक्टर को पाउच ऑफ डगलस में फ्री फ्लूइड भी दिखाई देता है। इसीलिए मोस्टली फॉलिकुलर स्टडी के रिपोर्ट्स में फॉलिकल रप्चर, फ्री फ्लूइड सीन इन पाउच ऑफ डगलस, इस तरह से मेंशन किया हुआ आपको कई बार नजर आएगा। उसी के साथ साथ ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम भी दिखाई देता है। मोस्टली जब इंड्यूस साइकिल्स में पेशेंट्स को अंडे बढ़ने के लिए दवाइयाँ दी जाती है तो उनका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार अगर ओवरी ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है तो OHSS मतलब ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का खतरा भी वहाँ पे देखने को मिलता है। OHSS के बारे में हम कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि OHSS होने वाला है, तो फॉलिकुलर स्टडी करते वक्त अगर 16 mm से ज़्यादा वाले 4 follicles अगर आपके ओवरी में दिख रहे हैं, या 12 mm से ज़्यादा साइज वाले 8 follicles से भी ज़्यादा फॉलिकल अगर वो दिख रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे पेशेंट्स में OHSS का खतरा यानी संभावना होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर डॉक्टर को फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हुए ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं, फॉलिकल्स, बड़े बड़े फॉलिकल्स नज़र आ जाते हैं और उनको OHSS की संभावना दिखती है, तो उस साइड इफेक्ट से आपके डॉक्टर आपको बचा सकते हैं। इसीलिए इंड्यूस साइकिल्स में जब आप दवाइयाँ ले रहे हैं उस वक्त फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आपके कई सारे डाउट्स आज के वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। फॉलिकुलर स्टडी के रिपोर्ट्स में कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आती है, शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, जिसके बारे में डिटेल में थोड़ा बताना पड़ेगा। उसके रिलेटेड एक सेकेंड वीडियो में फॉलिकुलर स्टडी का Part 2 आप कह सकते हैं वो मैं लेके आने वाली हूँ, तो उसको जानने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पे जो भी हम प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, गायनी रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं उसे देखते रहिए।
तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए कमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।